वेलकम बैक बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बता दीजिए, पेमरा को खातून को हरासा करना महंगा पड़ गया, नौकरी से फारिग। विफाकी मोहतसिब से बराए इंसदादे हरासकियत कश्माला तारिक ने पेमरा केस का फैसला सुना दिया। हाजी आदम ने पेमरा की खातून को हरासा किया। फैसले में कहा गया, हाजी आदम को नौकरी से बरतरफ करने के अहकाम। हाजी आदम पर 20 लाख और फखरुद्दीन मुगल पर 5 लाख का जुर्माना। पेमरा को कैमरे नस्ब करने और कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। दौरान मुलाजमत डीजी पेमरा पर खातून को हरासा करने का इल्जाम था। पेमरा खवातीन को हरासा करने की शिकायत सुनने के लिए मुस्तकिल कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया गया। खातून को हरासा करने का मामला डीजी पेमरा कसूरवार करार। हाजी आदम नौकरी से हाथ धो बैठे, विफाकी मुतसिब ने फैसला सुना दिया। साबिक डीजी पेमरा हाजी आदम की जानिब से खातून को हरासा करने से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया गया। विफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हरासानी कश्माला तारिक ने डीजी पेमरा हाजी आदम को नौकरी से निकालने का हुक्म दे दिया। पिछले बरस जनवरी में डीजी पेमरा हाजी आदम के खिलाफ जिनसी हरासानी की दरख्वास्त दायर की गई थी। कश्माला तारिक ने फरवरी 2020 में डीजी को मुअत्तल करने का अबूरी फैसला दिया था। डीजी पेमरा ने अबूरी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से भी रुजू किया था। हाईकोर्ट ने भी डीजी पेमरा की अपील मुस्तरद करते हुए विफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हरासानी से रुजू करने का हुक्म दिया था। डीजी पेमरा की सदर मुमलिकत ने भी 2 बार अपील मुस्तरद की और मुतालिका फोरम से रुजू करने का हुक्म दिया था। मुतासरा खातून पेमरा में डेली वेजेस मुलाजमत थी। दौरान मुलाजमत डीजी पेमरा का खातून को हरासा करने का इल्जाम था। पेमरा में 9 डायरेक्टर जनरल मौजूद हैं। हाजी आदम उनमें से एक थे और डायरेक्टर जनरल HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदे पर फायज थे।